हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का एक टॉपिक, लीनियर एंड सर्कुलर रीअरेंजमेंट्स। नाम से ही आपको पता चल जाएगा, लीनियर शब्द बना है लाइन से, सर्कुलर शब्द बना है सर्कल से। रीअरेंजमेंट का मतलब है किसी चीज़ को अरेंज करना। तो रीजनिंग में, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन में एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कुछ लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट या तो लाइन की फॉर्म में होती है, एक लाइन में खड़े होते हैं वो सारे लोग, या सर्कल में बैठे होते हैं या खड़े होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ लोग दिए जाएंगे, उनकी पोजीशनिंग के ऊपर एक पज़ल क्रिएट करके दिया जाएगा और आपको उसको सॉल्व करना है कि किसकी पोजीशन कहाँ पे है। दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक लाइन के ऊपर यानी जो सीक्वेंस है वो लाइन की फॉर्म में है, और एक सीक्वेंस जो है वो सर्कल की फॉर्म में है। तो लीनियर, जब बात आती है लीनियर रीअरेंजमेंट की, तो लाइन में आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली, कौन किसके राइट में है और कौन किसके लेफ्ट में है, ये सेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर मैं मान लो कि मेरा फेस जो है ईस्ट में है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्ट में फेस है अगर, तो मेरे राइट में कौन बैठा है और मेरे लेफ्ट में कौन बैठा है। इसी तरह किसी का फेस अगर वेस्ट में है तो उसका राइट क्या होगा और उसका लेफ्ट क्या होगा। तो आपको इस तरह से एक बेसिक सेंस होनी चाहिए राइट एंड लेफ्ट की। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को इमेजिन करो उस जगह पर और अपना राइट और लेफ्ट के हिसाब से आंसर करो। ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लैरिटी आती जाएगी प्लस स्पीड आती जाएगी। इसके अलावा आपको डायरेक्शन की सेंस होनी चाहिए, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऑन पेपर हम लोग ईस्ट जो है राइट में बनाते हैं, राइट से शुरू करते हैं ईस्ट, वेस्ट फिर ऑपोजिट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ये डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बोला जाता है कि एक लाइन है, मान लो एक लाइन है, इसमें पांच लोग बैठे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, पांच लोगों का फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है, तो मुझे पता चल गया इनका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो मैं एक एरो से फेस की डायरेक्शन बता सकती हूँ। ठीक है, अब इसी फेस, अपने आप को इमेजिन करो कि आप इसी साइड फेस किए हुए हो, तो आपका राइट और लेफ्ट क्या होगा। तो राइट होगा ये वाली साइड और लेफ्ट होगी ये वाली साइड। ठीक है, इसी तरह अगर आपका फेस जो है, मान लेते हैं इसी लाइन में ईस्ट की तरफ है, सो लेट्स से पांच लोग हैं और पांचों का फेस ईस्ट की तरफ है, तो आपका राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा। आपका राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट उधर हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, आपको देखना राइट लेफ्ट कहाँ आ रहा है। राइट, इसी तरह सर्कुलर रीअरेंजमेंट में आपको ध्यान रखना है, जब भी सर्कल की बात की जाए यानी कुछ लोग अगर सर्कल में बैठे हों, तो सबसे पहली और बेसिक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप उन लोगों की पोजीशन डिसाइड करोगे, मान लेते हैं कि चार लोग बैठे हैं एक सर्कल में, तो चार लोगों को आपको ऐसे नहीं बिठाना कि चारों को एक साथ बिठा दिया और सर्कल तो कम्प्लीट ही नहीं हुआ। वो सर्कल पूरा कंप्लीट होना चाहिए, यानी एक अंदाजे से, एक जजमेंट से आपको उनको इक्वल डिस्टेंस पे बिठाना है, जैसे कि 1, 2 के सामने, देन 3 और 4, तो ये एक सर्कल में बैठे हैं। इसी तरह अगर 8 लोग को बोला जाए, तो 4 पहले ऐसे बिठा दिया, फिर इनके सेंटर में 1, 2, 3 और 4, ये 8 हो गए। ऐसे ही 6 लोगों को बोला जाए, तो सर्कल बनाओगे 1, 2 और 3, ट्राइंगल की फॉर्म में आप 3 मार्क लगाओ, फिर इनके बीच में एक एक और। कहने का मतलब है ये सबका स्पेस या डिस्टेंस जो है एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए अंदाजे से। ठीक है, ओके, एक तो ये बात है कि इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करना है। दूसरा, इनकी फेसिंग इनसाइड है या आउटसाइड है, यानी जो सर्कल में बैठे हैं वो अंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं सब, या फेस उनका बाहर की तरफ है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर अंदर की तरफ फेस है तो राइट और लेफ्ट अलग होगा, फेस बाहर की तरफ है, जैसे ही आप मूव कर जाओगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा। तो फेसिंग उनकी बाहर है या अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि अगर बोला जा रहा है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे एक ए है और यहाँ पे बी है। अगर बोला जा रहा है ए के राइट में बी है एंटी क्लॉकवाइज,
ए के, ध्यान से समझना, ए के राइट में बी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पता होना चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो क्लॉक है, जो आपकी घड़ी होती है 12, 6, 3 और 9, घड़ी की डायरेक्शन ये होती है, ऐसे चलती है, 1, 2, 3 ऐसे बजता है, मतलब नंबर्स की डायरेक्शन में, ये है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसका ऑपोजिट, यानी ऐसे 6, 3 इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ए जो है, सॉरी बी जो है वो ए का के साथ है, राइट में है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखो, ये ए के राइट में ज़रूर आ रहा है, ये राइट ज़रूर है, लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्वेश्चन कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो बी यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिया या क्लॉकवाइज दिया वो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। आपको क्वेश्चंस में कुछ इस तरह की लाइंस देखने को मिलेंगी। आपको मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लाइंस लिखी है मैंने, उनसे ये पता लगाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन में लिखा होगा और उसका क्या मतलब हो सकता है, राइट। जैसे क्वेश्चन में हो सकता है ए इज़ बिटवीन बी एंड सी, तो अब इसकी पोजीशन क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि ए जो है, यानी कि तीन पोजीशंस हैं, ए जो है वो बी और सी के बीच में है, तो ए की पोजीशन तो फिक्स आपको पता चल जाएगी कि सेंटर में है, लेकिन बी सी ऐसे भी हो सकता है, या यहाँ पे सी और यहाँ पे बी, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस केस में आपको ये डाटा पता चलता है, ये डेटा इसके बारे में पता चलता है कि ए सेंटर में है, यहाँ पे सी और बी भी हो सकता है, और यहाँ पे भी बी या सी में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ई इज़ 2 places अवे फ्रॉम एफ, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है ई जो है एफ से 2 place दूर है, 2 place मीन्स 1 एंड 2, तो एफ यहाँ है, ई यहाँ है, 2 place की दूरी है इनके बीच में, ठीक है। अब वो किस साइड है वो आपको, मतलब वो आपको बाद में क्वेश्चन को पूरा पढ़ने पे पता चलेगी। तो आपको बस इस लाइन से ये समझना है कि वो ई की जो एफ से दूरी है वो इस साइड भी हो सकती है, इस साइड और इस साइड भी हो सकती है, ठीक है। एफ 2 दूरी 2 places दूरी पे यहाँ पे भी हो सकता है, राइट। तो दोनों पॉसिबिलिटी को आपको लेकर चलना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डी इज़ टू द राइट ऑफ सी। अगर ऐसे लिखा है कि एक पर्सन किसी के राइट में है, तो ये बहुत इजी है समझना कि डी इज़, यानी डी है किसके राइट में, सी के। तो सी की डायरेक्शन सबसे पहले आपको देखनी है, किस तरफ है उसका फेस, किस तरफ है, तो उसका राइट किधर होगा। अभी मान लेते हैं सी का फेस नॉर्थ में है, ठीक है, ये क्वेश्चंस में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा वैसे। तो मान लेते हैं कि ये नॉर्थ में है फेस, तो इसका राइट होगा ये, इस साइड, ठीक है, दिस इज़ द राइट। तो डी इज़ टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में है डी, तो डी की पोजिशन हो गई सी के इस साइड, राइट। एम इज़ टू द लेफ्ट ऑफ ए, अब एम मान लेते हैं एम की भी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ में है, तो एम जो है ए के लेफ्ट में है, एम जो है वो ए के लेफ्ट में है, तो ए का लेफ्ट हुआ ये साइड, ठीक है, इसकी अगर फेसिंग जो है नॉर्थ है तो ये हुआ इसका लेफ्ट साइड, तो एम यहाँ पे है, ठीक। ओके आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट एक बार समझना। इस तरह के और भी पॉइंट्स आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, जो हम क्वेश्चन में ही देख पाएंगे, उसको वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बस मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ कि कैसे आप पोजीशन का पता लगा सकते हो। अब ये पॉइंट है, इफ़ ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशंस, अगर ए और बी, अब मान लेते हैं यहाँ पे 7 positions हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और ए और बी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज मतलब एक दूसरे की पोजीशन ले लेते हैं, देन ईच वन ऑफ देम गेट्स एग्जैक्टली 1 new neighbor, तो क्या होगा, दोनों में ही, अगर ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखी है तो क्या मतलब है स्टेटमेंट का, कि दोनों की ही जो पोजीशन होगी नई, उनको एग्जैक्टली एक नया नेबर मिलेगा, ठीक है। अब इसका ध्यान से समझना क्या मतलब है, मान लेते हैं पहले केस में कि ए की पोजीशन ये है और बी की पोजीशन ये है, एक्सट्रीम एंड्स में है, ठीक है, 3 positions बनती है, एंड्स में है उनकी जो पोजीशन है। अब अगर वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, ए आ जाता है यहाँ पे और बी आ जाता है यहाँ पे, पहले जो केस था उसमें ए का जो नेबर था, नेबर मतलब पास, वो था 2, और बी का नेबर जो था वो था 6। अब
ए वहां चला गया, बी यहां चला गया, तो बी का नेबर हो गया टू, चेंज हो गया, एक नया नेबर मिला उसको। इसी तरह यहाँ पे ए का जो नेबर है वो सिक्स हो गया, तो इसको भी एक नया नेबर मिला। तो जब ये बात आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेगी तो आपको समझना है कि ए और बी या तो एक्सट्रीम एंड में हो सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम एंड में इनकी पोजीशन हो सकती है क्योंकि तब ये बात वैलिड है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि ए और बी जो है दोनों एक साथ हैं, जैसे थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स एंड सेवन पोजिशंस हैं, ठीक है। इस केस में मानते हैं हम ए और बी जो है एडजेसेंट पोजिशन पे हैं, तो ए यहाँ है और बी यहाँ है। अभी जो ए का जो नेबर है वो है टू और बी का जो नेबर है वो है फाइव, ठीक है। इसी तरह ए ये बी का नेबर भी है इस साइड और बी ए का नेबर भी है, राइट। अब इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, बी आ गया यहाँ पे, ए आ गया यहाँ पे। अब बी का जो नेबर है वो क्या हो गया, वो हो गया टू, बी को एक नया नेबर मिल गया, पहले उसका ये नेबर नहीं था, अब बी को नया नेबर मिल गया, और ए को फाइव नया नेबर मिल गया। बाकी ए और बी एक दूसरे के नेबर तो पहले से थे, तो दोनों को ही एक एक नया नेबर मिला है, ठीक है। तो एडजेसेंट पोजीशन भी हो सकती है अगर ये लाइन क्वेश्चन में लिखी हो, यानी कि उन दोनों की एडजेसेंट पोजीशन भी हो सकती है अगर ये लिखा हुआ है कि ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद उनका एक ही नेबर है, ठीक है, नया नेबर है। आगे बढ़ते हैं, एक और केस बन सकता है क्या, अब मान लेते हैं इन्हीं इसी सेटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 सात पोजीशंस हैं, इसी में ए और बी की जो पोजीशन है ना वो एक के गैप पे है, ठीक है, एक बीच में गैप है और उसके बाद ए और बी बैठे हुए हैं। इनके जो अभी नेबर्स हैं वो है टू और इसका है फोर, टू और फोर। बी के जो नेबर हैं वो है फोर और सिक्स। अब मान लो इनकी पोजीशन चेंज हुई, बी इधर आ गया, ए इधर आ गया। अब बी का एक नेबर तो सेम है अभी भी फोर, इसको एक नया नेबर मिला है, यानी कि बी को मिल गया टू और ए को एक नया नेबर मिल गया सिक्स, फोर अभी भी कॉमन है, ये दोनों में अभी भी नेबर ही है। तो अगेन इस पोजीशन पे भी इन दोनों की अगर मैंने पोजीशन इंटरचेंज की तो भी इनको एक नया नेबर मिला है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में वन का डिस्टेंस हो सकता है, यानी एक पोजीशन का डिस्टेंस भी हो सकता है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये लाइन मिले तो उसका मतलब है कि इनकी पोजीशन या तो एंड में है या दोनों के बीच, दोनों साथ में हैं या दोनों के बीच एक का गैप है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा अब एक बार और ये भी चेक कर लेते हैं कि मान लो इन दोनों की पोजीशन जो है वो दो के गैप में, मान लो ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, दो या तीन का गैप है। अब क्या होगा, ए के अभी जो नेबर है वो वन है और थ्री है, बी के फोर और सिक्स है। अब बी आ गया यहाँ पे और ए आ गया यहाँ पे, ए के नेबर अब कंप्लीटली दो अलग लोग हो गए हैं और यहाँ ए के नेबर दो अलग लोग हो गए हैं। तो अब मुझे क्या पता चला, इस केस में ये बात वैलिड नहीं है, यानी कि अगर ये क्वेश्चन में ये बात लिखी है कि उनका एक नेबर है तो ये पोजीशन नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि उनके बीच में या तो एक ही गैप होगा या साथ साथ होंगे या एकदम एक्सट्रीम एंड्स में होंगे, बीच में दो का गैप, तीन का गैप, चार का गैप, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन करते करते हमें देखने को मिलेंगे, जो आपको अगर प्रैक्टिस हो अच्छी तो आप ये क्वेश्चन, मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मुझे समझाने में लगा है, आप थोड़ा सा जल्दी इस पॉइंट को पढ़ते ही ये समझ जाओगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, और थोड़ा सा टाइम यहाँ पे आपका बच जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो। ये सारे के सारे जो रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं ये सब टाइम और आप टाइम बचाने के ऊपर बेस्ड होते हैं और स्पीड बनाने के ऊपर बेस्ड हैं। तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस ही इनका एकमात्र तरीका है और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो, प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में, अगर इसी में मैंने बनाया तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जिसमें हम यही सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज़ किए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो सीखेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।